गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट क्लास में भी आप लोगों को एज ए होमवर्क दिया था ऑफलाइन कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन था स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी था, देखा भी था, कुछ बेसिक बात मैंने आपको समझाई भी थी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात हमें की गई थी और ऑपकोड की बात की थी, ऑपरेशनल कोड जो हमें परफॉर्म कराना होता है किसी भी इनपुट डेटा पर, ठीक है, वो अरिथमेटिक हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ऑपकोड और जो डेटा की इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस पर सीधे आंसर पर आऊंगा कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है स्टूडेंट आपकी, वो डिफरेंट टी स्टेट्स पर होती है। एक साइकिल को कंप्लीट होने का जितना टाइम लगता है वही हमारा क्या कहलाता है, टी स्टेट भी कहलाता है। तो मैंने क्या कहा कि ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ स्टोर होती है, आपकी टी स्टेट या डिफरेंट टी स्टेट्स में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से आज के क्वेश्चन पर चलता हूँ। स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। यूपीएमआरसी जेई लास्ट ईयर SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम के ये आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात भी करता हूँ कि जो एक्सॉर गेट या फिर एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहते हैं, एक्सॉर ऑपरेशन की बात की गई है स्टूडेंट आपकी यहाँ पर क्वेश्चन ने कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, कोइंसिडेंस ऑपरेशन के नाम से, ठीक है, या फिर इन्वर्टिंग, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन ने इसका एक्सप्लेनेशन आगे आपको खुद लिखकर दिया है कि बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस सेम आउटपुट, कि ये सेम आउटपुट देता है दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए, ठीक है, कि दो अलग अलग इनपुट्स के लिए ये सेम आउटपुट देता है, इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहां आप लोगों को एक्सॉर ऑपरेशन की कुछ कहानी को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने क्या कहा कि सबसे पहले एक्सॉर ऑपरेशन के लिए याद रखिएगा कि एक्सॉर ऑपरेशन जो होता है स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां से अगर मैं लिखता भी हूं कि प्रैक्टिकली सिर्फ कितने इनपुट के लिए वैलिड होता है स्टूडेंट आपका, दो इनपुट्स के लिए ये वैलिड होता है, ठीक है, कि प्रैक्टिकल बात अगर मैं करता हूं तो ये सिर्फ दो इनपुट्स के लिए वैलिड होता है। अब ये दो इनपुट्स के लिए वैलिड होता है और आउटपुट किस तरह से देता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहीं से अगर मैं लेकर चलता हूं तो मैंने क्या कहा कि दो इनपुट्स के लिए वैलिड होता है, किस तरह से काम करता है, ये आप लोगों का आउटपुट इस केस में हाई, ये ऑपरेशन आउटपुट हाई या लॉजिक वन देता है, कब, जब आप लोगों के दोनों इनपुट कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, बोथ इनपुट कैसे होते हैं आपके, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग इनपुट जब आप देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता भी हूं कि मैंने कहा कि यहां से अगर मैं लेकर भी चलता हूं इनपुट्स को कि ए और बी दो इनपुट मैंने लेकर चले, मुझे इनके बीच में ऑपरेशन कराना है एक्सॉर ऑपरेशन, ठीक है, और आउटपुट मैंने कहा कि इनके रिस्पेक्टिवली आउटपुट वाई है, उस हिसाब से अगर मैं लेकर चलता हूं दो इनपुट्स हैं स्टूडेंट आप लोगों के और सिंगल आउटपुट है, तो दो इनपुट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता भी हूं, मैं कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात भी करता हूं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ध्यान से देखेगा, यहां पर आ सकता है स्टूडेंट कि दोनों इनपुट 0 0, ठीक है, या पहला इनपुट 0 और 1, दूसरा इनपुट 1 और 0, और लास्ट इनपुट मैंने कहा 1 और 1। हमने साफ साफ कहा था कि आउटपुट हाई या 1 सिर्फ तभी आएगा जब दोनों इनपुट कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो दोनों इनपुट डिफरेंट कहां पर है, यहां अगर मैं लेकर भी चलता हूं तो पहला केस था कि यहां पर दोनों इनपुट डिफरेंट है और दूसरा केस था कि यहां दोनों इनपुट डिफरेंट है, तो यहां सिर्फ हाई आउटपुट आएगा, बाकी दोनों केसेस में आउटपुट कैसा रहेगा आपका, 0 रहेगा, लो लॉजिक पर रहेगा, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि कोइंसिडेंस का मतलब होता है स्टूडेंट आपका कि इस बात को अगर मैं लेकर भी चलूं, इसका मतलब होता है कि जब आपके सेम इनपुट आ रहे हो, ठीक है, कोइंसिडेंस का मतलब तो यही है कि सेम इनपुट आ रहे हो और उस स्थिति में आउटपुट कैसा आ रहा हो आपका, लॉजिक 1 आ रहा हो या आउटपुट आप लोगों का निकल रहा हो, या आप कह सकते हैं कि आउटपुट हमारा हाई आ रहा हो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा होता तब ये कोइंसिडेंस कहलाता, पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा इनपुट सेम नहीं बल्कि इनपुट मैंने साफ साफ कहा है कि इनपुट कैसे हैं, डिफरेंट है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होना था, ठीक है। इसी में दूसरी बात को अगर मैं लेकर चलता हूं इन्वर्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि अगर आपने इनपुट ए दिया है,
ठीक है। तो इन्वर्ट का मतलब होता है कि जो आउटपुट आएगा आप लोगों का वो ए का बार आएगा। और इन्वर्टिंग के लिए सबसे बड़ी बात है कि इनपुट सिंगल होता है। अपने पास तो यहां पर क्या है, इनपुट साफ साफ कहा है कि जब दोनों इनपुट कैसे होते हैं, ये हमें लिखा भी है कि दो डिफरेंट इनपुट्स की बात की है। एडिशन की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो एडिशन में जरा देखिए कि अगर मैं एडिशन को लेकर चलता हूं तो पहला ऑपरेशन होगा 0+0, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन होगा 0+1, ठीक है, यहां ट्रुथ टेबल के हिसाब से ही मैं लिख रहा हूं। फिर तीसरा होगा आपका 1+0 और फोर्थ ऑपरेशन अगर मैं देखता हूं स्टूडेंट भी आ जाएगा 1+1। इनको ऐड करना है और नहीं करना है, ये ध्यान रखें। तो ऐड करूंगा तो 0+0 0 होता है, 0+1 1 होता है, 1+0 ये भी 1 होता है, और 1+1 करूंगा तो ये 0 आएगा। तो मुझे एक बात दिख रही है कि अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं कि 0 और 1 के केस में आउटपुट 1, और सेम कहानी यहां भी कि 0 और 1 के केस में आउटपुट 1। फिर इसी तरह से मैं यहां देखता हूं कि 1 और 0 के केस में आउटपुट 1, एज इट इज सेम चीज मुझे यहां भी दिख रही है कि 1 और 0 के केस में आउटपुट 1। तो इसका मतलब सेम आउटपुट मुझे दिख रहे हैं जो XOR में थे। तो XOR ऑपरेशन को और क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, उस हिसाब से XOR ऑपरेशन को कहा जाता है आपका एडिशन ऑपरेशन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी दो नंबर्स को ऐड कीजिए, अगर दोनों वो डिफरेंट हैं, ध्यान से देखना कि दोनों डिफरेंट है, तो आउटपुट फिक्स है कि कितना आएगा आपका, लॉजिक 1 या 1 आएगा, ठीक है। लास्ट बचता है स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन। तो भाई मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे, मल्टीप्लीकेशन अगर आप देखते हैं तो आप कैसे करोगे, 0 × 0, 0 × 1, फिर 1 × 0 और 1 × 1। यहां आप देखेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0, और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1। तो यहां तो कंडीशन ही अलग हो गई है कि आउटपुट 1 तब आ रहा है जब दोनों इनपुट हमारे कैसे हैं, सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं ओवरऑल देखता हूं स्टूडेंट, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि हमारा जो राइट आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये अगर हम लेकर भी चलते हैं तो दिस इज ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है, कि यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें स्टूडेंट, एक एक ऑप्शन को हमने ध्यान से समझाया, XOR की बात की थी, ऐसे ही XOR गेट को, अच्छा और इसको क्या क्या कहते हैं मैं इसके अदर नेम्स भी आपके सामने पर रख देता हूं, ठीक है, कि XOR ऑपरेशन जो होता है स्टूडेंट आपका, इसको और क्या क्या कहते हैं, ये होता है स्टूडेंट आपका एंटी को इंसिडेंस ऑपरेशन, ठीक है, को इंसिडेंस ऑपरेशन, ठीक है, कि ये हमारा क्या होता है, एंटी को इंसिडेंस ऑपरेशन होता है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि इसी को और क्या कहते हैं, ऑड डिटेक्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है, कि ये हमारा और क्या होता है, ऑड डिटेक्टर भी होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी को इंसिडेंस ऑपरेशन, या फिर ऑड डिटेक्टर भी इसको कहते हैं। ये तो XOR ऑपरेशन था, अगर मुझे XOR गेट कहा हुआ होता तो कुछ इस तरह से XOR गेट दिखता है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से XOR गेट का सिंबल भी होता है, ये एक इनपुट, ये बी इनपुट, और ये हमारा आउटपुट वाई आ गया। एक्सप्रेशन भी अगर आप लिखेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आता है स्टूडेंट आप लोगों का कि जनरल अगर मैं एक्सप्रेशन भी लिखूं तो ये बन जाता है वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर मैं यहीं से देखूं भी तो यहीं पर लिख देता हूं, ये आ जाता है वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ठीक है, और प्लस वो ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, ये हमारा एक्सप्रेशन भी आ जाता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आप लोगों की XOR गेट के लिए, और इस तरह का क्वेश्चन आपके UPMRC JEE के SNT में सिग्नल एंड टेलीकॉम में 2023 में पूछा भी जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को और डिटेल में जानने के लिए स्टूडेंट आप लोग इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस को अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपके सारे सब्जेक्ट जितने UPMRC JEE के सिलेबस में भी हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, या किसी भी JEE या AE लेवल पर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर विद आपके प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर ऑनलाइन, जिनको आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट में कर सकते हैं, क्लासेस के PDF आपको, रेगुलर रिविजन सेशंस, आपके सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो स्टूडेंट UPMRC, ISRO या किसी भी डिप्लोमा लेवल या
बीटेक लेवल पर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो हमारे इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट, आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।